नमस्कार दर्शकबिन, तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ गोवा नेपाली टिभी। म छु सञ्चालिका प्रीति स्वर्णकार। दर्शकबिन, तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, हामी पन्जिमको बिचमा आएका छौँ। यो चाहिँ फ्री बोट हो, तपाईँहरूले पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ। यो फ्री बोटमा चाहिँ फ्रीमा चाहिँ वार पार गर्न सक्नुहुनेछ। उपारी चाहिँ पन्जिम रहेको छ र यहाँ क्याचिनोहरू पनि छ, र तपाईँहरू यदि ओरदोर गर्न चाहनुहुन्छ, रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि आउन सक्नुहुनेछ। बिल्कुलै फ्री हो, यो चाहिँ पैसा लाग्दैन। फ्रीमा चाहिँ तपाईँहरू ओरदोर गर्न सक्नुहुने के तपाईँ घुम्नको लागि भारतको गोवामा आउँदै हुनुहुन्छ र आउनुभयो भने यहाँ फ्री बोटमा चढ्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू फ्रीमा चाहिँ बोटमा चढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ बाइक, स्कुटर, कार लगायत विभिन्न गाडीहरू पनि लग्न पाइन्छ, र गाडीहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, बाइकहरू स्कुटीहरू गइरहेको छ। र यो चाहिँ फ्रीमा हो, यसमा चाहिँ पैसा लाग्दैन। र यो चाहिँ पन्जिम जान आउनको लागि चाहिँ बिचमा चाहिँ समुद्र छ, र यो समुद्रमा चाहिँ पारी चाहिँ पन्जिम पारी जान सक्नुहुनेछ, पन्जिममा जान सक्नुहुनेछ, र पुलबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। यदि कसैलाई पुलबाट जान मन छैन, अलिकति पेट्रोल बचाउन मन छ, तेल खर्च गर्न मन छैन भने मान्छेहरू प्राय यो फ्री बोटमा जान्छन्, र छिटो जानको लागि पनि यो फ्री बोटबाट ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन्। र तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू अवश्य पनि फ्री बोटमा चढ्नु होला है। फ्री बोटमा चढ्नु होला, एकदमै रमाइलो हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरू बसेर चाहिँ समुद्र हेर्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न किसिमको आनन्द महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, हावाहरू लाग्छ, फोटो सुट गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, फ्री बोट हो, यो चाहिँ फ्री बोट हो, र यहाँ चाहिँ ओहोरदोहोर गर्नको लागि पैसा लाग्दैन। यहाँ चाहिँ गाडी, बाइक, स्कुटर लगेर जान सक्नुहुनेछ, पन्जिम पारी र वारी ओहोरदोहोर गर्न सक्नुहुनेछ। गोवा आउनुभयो भने पक्कै पनि फ्री बोटमा चढ्नुहोला। दर्शकबिन, यति बेला भने फ्री बोटको लागि आएका छौँ हामी, र यहाँ फ्री बोटमा चाहिँ तपाईँहरू ओहोरदोहोर गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँकै गोवान लोकल हुनुहुन्छ, म हिन्दीमा थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु। आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक, और आपका हाथ में क्या है? ये क्रूस का तस्वीर है। हाँ, और क्या करते है ये? ये घुमाते हैं। हाँ, लोग को घुमाते हैं, टूरिस्ट को? टूरिस्ट को घुमाते हैं, 500 रुपये टिकट रहता है। गोवन कल्चर, कपल डांस, डीजे म्यूजिक ग्रुप डांस, ये सब डांस होता है जी। एक घंटा घुमा के 15 मिनट, एक घंटा 15 मिनट घुमा के लेके आते हैं। 500 में एक घंटा 15 मिनट घूम सकते हैं इसमें। और डांस होता है ना, इसके साथ आपको नाचते जाएंगे। अगर कुछ खाना पीना है एक्स्ट्रा पे करके खा सकते हैं, उसमें 500 में कोई फ्री नहीं होगा। हाँ हाँ, मतलब 500 रुपये तीर के इधर बैठ के पूरा बीच पे घूम सकते हैं ना। हाँ, आरएमसी तक जाएगा। हाँ हाँ, ये रिवर्स से आरएमसी तक जाके आएगा। ये जो दिखा रहे हैं ये तो आपका पर्सनल है आप लोग का, तो इधर एक फ्री बोट भी है जो फ्री बोट ओहोरदोहोर करता है। वो क्या होता है ना, फेरी बोट से लोग जाता है ना, तो उसको टिकट नहीं है। टिकट नहीं मतलब अगर बस से जाओगे तो बस से 20-40 रुपये लगेगा आने जाने में। तो ये फ्री है तो लोग फ्री में जाके आते हैं ना। उधर गांव के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, ये लिए इनके लिए बना है। कोई टूरिस्ट घूमता है इनके लिए नहीं है, अगर कोई भी जा सकता है इसमें। हाँ, मतलब बाइक स्कूटी भी जाता है उधर? स्कूटी जाता है, फोर व्हीलर गाड़ी भी जाता है। हाँ जी, ये भी लेके जाते हैं। अगर बोट पुल है तो उन लोग को नहीं ले जाएंगे, बोट खाली है तो ले जाते हैं। मतलब ये सरकार का है, सरकार ने दिया है? सरकार नहीं, सरकार का ही है। हाँ, हाँ, ये प्राइवेट है, इनका प्राइवेट का है बोट, वो जी। अलग से उन लोग चलाते हैं, सरकार उनको कुछ हेल्प करता है जी। तो उन लोग को पैसा उनको बाहर से आता है ना जी, जी। हाँ जी। और ये कितने बजे चालू होता है और कितने बजे क्लोज होता है? सुबह मॉर्निंग 6 बजे होता है। 6 बजे होता है, और शाम को? शाम को 10 बजे क्लोज होता है, रात को। तो आप लोग तो इधर के हो, तो टूरिस्ट भी आते होंगे, फ्री बोट में घूमते होंगे थोड़ा बहुत ना? टूरिस्ट आते हैं मैडम, उनको कुछ अजब सा लगता है, नया लगता है ना। वो लोग कभी गोवा घूमे नहीं, कभी बोट में नहीं घूमे, तो उनको एक अजब सा लगता है, फ्री में क्यों है बोट, ऐसा पूछते हैं जी, जी। अरे वो सरकार ने फ्री में रखा है तो उसका क्या मतलब है, हम लोग क्या बोलेंगे जी, जी। आपको टिकट रखना चाहिए तो वो भी दे दो, फ्री बोट वाले को खुशी से दे दो, वो ले लेगा। बहुत अच्छा है, गोवा में बहुत अच्छा बनाया है सरकार ने, फ्री बोट बनाया है तो बहुत अच्छा है ना। हाँ ये तो, लेकिन ये तो हर गांव में है, गोवा में इधर ही बोल के नहीं है। कब से शुरू हुआ ये फ्री बोट? 61-62 में चालू हुआ ना। 61-62 में चालू, तब से फ्री में ओरदोर करते हैं लोग। हाँ, फ्री में जाते हैं आते हैं लोग। हाँ, अगर ये फेरी बंद हो जाएगी तो तकलीफ हो जाएगी लोगों को।
और हमारा जो दर्शकों लोग देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहते हैं उनके लिए, आपके ये प्राइवेट है इसके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए और फ्री बोट के लिए भी थोड़ा बोल दीजिए। गोवा आना है, गोवा बहुत अच्छा है, आप बीच साइड में घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, तो एंजॉय हो सकता है उनका। फिर वो फ्री में घूमना है इसमें भी जा सकते हैं, अगर डिनर क्रूज बोल के नाइट में है, दोपहर में भी लंच क्रूज है, वो भी एक्टिविटी का है, उसमें भी 2500-2000 रुपये लगते हैं, 3500। हर कोई बोट अलग अलग है, जैसे कि आप आइलैंड में जाएंगे, आइलैंड का बोट अलग है, वहाँ पर भी 1500-2000 रुपये तक कोई भी ले लेगा, वो भी सुबह 4 बजे, शाम को सुबह 8 बजे जाएगा तो रात को 6 शाम के 4 बजे वापस रिटर्न आएगा, तो 3-4 घंटा आराम से घूम सकते हैं, आइलैंड जा सकते हैं, इसको भी या तो पैराशूट ये सब पैरासेलिंग बोट सब कर सकते हैं आप लोग। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए, थैंक यू। यति बेला फेरि पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ, एकजना भाइ हुनुहुन्छ यहाँ नजिकमा चाहिँ पानीपुरी गाडा छ उहाँको चाहिँ, र पानीपुरी फ्री बोर्डको छेउमै पानीपुरी राख्नु भएको छ, म उहाँसँग हिन्दीमा कुराकानी गर्न चाहन्छु, इन्डियन हुनुहुन्छ, स्वागत है आपको जी। आपका नाम क्या है? अमित। अमित कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से हो, अरे कब से चालू किया आपने ये पानीपुरी का? अभी हुआ 1 महीना। 1 महीना हुआ, और ये इधर फ्री बोट आता है तो कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है? 6 बजे चालू होता है, 10 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे बंद होता है, और क्राउड कितना होता है? क्राउड आती है, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और आपका पानीपुरी भी जाता होगा? बहुत जाता है मेरा पानीपुरी। हाँ हाँ, बहुत जाता है। और ये फ्री में है बिल्कुल? ये गवर्नमेंट का है ना, फ्री सेवा है। फ्री से, जो लोग बाहर से भी आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, सबके लिए फ्री सेवा। फ्री से वो उधर पंजिम जाते हैं और इधर आते हैं? जी जी, पंजिम आते हैं, इधर आते हैं बेती में। और क्या बोलते हैं लोग, कोई कुछ बाहर से आते हैं लोग तो क्या बोलते हैं इधर, ये फ्री बोट की कैसे बनाया, क्यों बनाया, ऐसा बोलते हैं? ये सब पूछते हैं कि क्या उन्होंने बनाया, इसको किधर से आता है, इसका कितना चार्ज लगता है, हम बोलते हैं इसका गवर्नमेंट का फ्री सेवा है। आपका पानीपुरी भी है तो मैंने अभी खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी है आपका पानीपुरी। जो लोग इधर आना चाहते हैं तो फ्री बोट के पास आते हैं तो भाई का पानीपुरी जरूर खा लीजिएगा, आप लोग आओ तो इधर खा के जाओ, अच्छा लगता है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच थोड़ा जानकारी के लिए। ओके, दर्शक बिन यति बेला भने हामीले गङ्गटा देखाइरहेका छौँ, जो नेपाल गङ्गटा बोल्छ र यहाँ चाहिँ केगडा बोल्ने गर्छ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो गङ्गटा यो, यसमा चाहिँ समुद्रबाट मारेर चाहिँ यहाँ ल्याउने गर्छन्, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ कति ठुलो गङ्गटा। हेर्नुहोस् त, र यो चाहिँ माछा रहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यो डुङ्गामा चाहिँ यसरी माछाहरू चाहिँ मार्ने गर्छ, समुद्रमा गएर माछाहरू जालीमा चाहिँ पारेर चाहिँ यसरी लिएको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। कोंकणी में सांगड़ बोलते, सांगड़ बोलते हैं। हाँ, इसका ये मच्छी का नाम है सांगड़। काटेगा ये? अच्छा, हाँ हाँ, इसका काटा रहता है ना। दर्शक बिन हामीले थोरै रिपोर्ट तपाईहरुको लागि तयार पारेका थियौ, पञ्जिम फ्री बोटमा आएर चाहिँ फ्री बोट कसरी चल्छ र कति बजे खुल्छ र कति बजे बन्द हुन्छ भनेर थोरै रिपोर्टिङ जस्तो बनाएका थियौ, र केही व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। र यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र फेरि पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यति बेला भने तपाईँहरूको माझबाट म सञ्चालिका प्रीति स्वर्णकार र क्यामरामा साथ दिनुहुने पुरन वियोगलाई धन्यवाद दिँदै अर्को नेक्स्ट भिडियोमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै छुट्टिन्छु। हौस् त, नमस्कार।